अम्मा आपको क्या हुआ? सब खैरियत? अम्मा क्या हुआ, इस तरह से क्यों रो रही है, बताए ना मुझे प्लीज। अम्मा धोखा किया है उन्होंने हमारे साथ, चीट किया है। पहले दिन से सिर्फ झूठ बोलते रहे। हंसता बसता घर था हमारा, कंप्लीट फैमिली, कभी सोचा भी नहीं था एक दूसरे से दूर जा बसेंगे। कितनी आसानी से वो हमारी बच्ची को हमसे दूर ले गए ना। शकीला के सारे वादे झूठ निकले, तो आपके सारे दावे धोखे के सिवा कुछ भी नहीं थे। क्या कहते थे, दुआ की पढ़ाई कंप्लीट करवाएंगे, उसे यहां आपके करीब घर बनवा कर देंगे, आपके पास रह सके आंखों के सामने। उस तेजाब तो वाइंड अप कर रहा है कि यहां आ जाएगा, कोई एक वादा तो पूरा किया। सब झूठ निकला। माँ, प्लीज थोड़े के सामने तो ऐसी बातें ना करें। ये कितनी खुशी खुशी अपनी तैयारियां कर रही है, अगर आपको इस तरह अपसेट देखेगी तो अपनी आगे आने वाली जिंदगी कैसे गुजारेगी? दाई तो हम मेरी बेटी है, मैं जानती हूँ ऐसे अचानक अमेरिका जाने में उसकी ना तो रजा है और ना ही खुशी, सिर्फ हमारी इज्जत का ख्याल कर रही है, इसीलिए उसने अपने लबों पर मोहर लगा ली है, वरना इतनी कमजोर भी नहीं कि अपने हक के लिए ना बोल सके। फुगवाद शेख समा, प्लीज इस किस्म की बातें ना करें। दुआ हमारी अम्मा को ना इस वक्त जज्बातियत का दौरा पड़ा है, सो प्लीज सीरियस मत लेना इनकी बातों। कभी कभी माएं अपने बच्चों से बच्चों जैसी ना समझी वाली बातें कहती हैं। हाँ, जो दिल में बसते हो ना अम्मा, वो कहीं भी जा बसे, हमेशा दिल के करीब रहते हैं। शादी से पहले कहाँ मानती थी तुम, कहती थी कभी अपनी फैमिली से दूर नहीं जाऊंगी। ना समझती मैं, मैंने कहा कि दो बोल लड़की को समझा देते हैं कि फैमिली किसे कहते हैं। ये वो डोर है अम्मा, जिसका एक सिरा लड़की के हाथ में और दूसरा उसके शौहर के हाथ में होता है। और अब मुस्तफा आप जहाँ भी ले जाएं, मोहब्बत और फर्ज की इस डोर से बंदी बंदी मैं साथ ही जाऊंगी। मेरी बेटी,